मेरे भाई की स्टूडियो के लिए ये स्टिकर है। आप मेरे बैग में देख रहे हो, ये सिंपल प्लास्टर था, उस पर वाइट सीमेंट मारा गया था और यहाँ पे स्टिकर लगा दिए हैं। देखो कैसे दिख रहा है, जैसे टाइल्स लगा हो, ठीक वैसा ये भी है। और ये 400 का था, जब मैंने लिया था तो 300 का था ऑफर था। अब मैं इसका भी रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मुझे पड़ा था एग्जैक्टली कितने का, इसमें तो नहीं लिखा था, नहीं लिखा है, 421 का था ऑलमोस्ट, इफ आई एम राइट, 423 और 421। ये है वॉल स्टिकर, 1000 सेंटीमीटर का है ये, 45x1000 होता है सेंटीमीटर में। तो चलो अब इसको अच्छे से वाल में देख रहे हो, इसको मैंने ही लगाया था, किसी को बुलाया नहीं था। वैसे मेरे में एक जगह यहाँ पर देखोगे फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो पर दूर से नहीं दिखता, और इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो अब हम इसको लगाना भी बताएंगे आप लोगों को। हाँ तो ये स्टिकर था, अब इसको हम लोग वाल पे अप्लाई करेंगे। इसके दो चीज चाहिए, एक जो स्टिकर है, दूसरा अपना सीजर। चलो देखते हैं, जितना आपको चिपकाना है पहले उसका साइज देख लीजिए, फिर उसका कितना साइज लेकर काट लीजिए। तो हमें बनाना है व्हाट्सएप वो यूट्यूब वीडियो, इतना चिपक के इतना, ठीक इतना चिपका के। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कट कर लिया है। अब इसको स्टिक करने के लिए कोई ग्लू की जरूरत नहीं है, सेल्फ एडिसिव है। आप बस यहाँ से पेपर निकालिए और चिपकाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए मैं दिख रहा हो तो ये ठीक, यहाँ से चिपकाना शुरू करेंगे। अब एक साइड से इधर से पकड़िए, एक साइड इधर से थोड़ा सा खींचिए, इसे प्रेस करिए, फर्स्ट टाइम इसे फ्रीली हैंग करने दीजिए। वेस्ट निकलेगा, तो फर्स्ट टाइम कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना साइज का चाहें उतना कट कर लीजिए। सेकेंड टाइम में आपको इसका कट और इसमें मैच करना रहता है, क्योंकि जब ये स्टिकर बनता है तो पूरा एक जैसे बनता है, एक इसमें एक जो पिक्चर होता है उसे मैच करना रहता है। ऐसे आप खरीदेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये इसमें मैच करेगा, ये जो बने हैं कटिंग्स, ये कटिंग्स मैच करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इसी को मैच कराना जरूरी रहता है। अल्टीमेटली ये हम लोग का स्टिकर बन के तैयार हो गया। और जैसे देख सकते हैं वैसे 400 में जो था इतना 1000 सेंटीमीटर का कम था, पर एक स्टूडियो बनाने के लिए अच्छा है। क्योंकि मेरे भाई का स्टूडियो है, आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली ये कितना है, 1000 सेंटीमीटर में कितना आता है। ये देखिए जितना दिख रहा है ये इतना है, और ये ट्राईपॉड अभी इसी पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो मेरा पुराना ट्राईपॉड है, और रिंग लाइट इतना आया है। अच्छे से देखो तो ये रिकॉर्डिंग करने के लिए बेस्ट है।